आपको मैं गुस्से वाली लगती हूँ? मुझे क्या, मेरी आई को भी दो दिन में पता चल गया कि तुम कितने ठंडे दिमाग की हो। मैं गर्म दिमाग की हूँ? मैंने कब कहा तुम गर्म दिमाग की हो? कोई ठंडे दिमाग ना गर्म दिमाग ही था। तो साबित कर दो कि तुम ठंडे दिमाग की हो। तुम्हारा चेहरा देखो, 5 मिनट नहीं रहा गया तुमसे। नमस्कार मिस्टर वजलवार, मिसेस वजलवार। या थैंक यू। जेवन जायचा? इसीलिए मैं कह रहा था तुमसे, तुम और शांत। नमस्कार। या शादी मुबारक हो विराट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बाकी थैंक यू। थैंक यू। सही को इतना अच्छा जो तैयार किया है तुमने, इसीलिए। सही, भाभी तो कमाल की लग रही है। That is it too। वैसे काकू, कमाल की तो सही भाभी लगनी है, क्योंकि पत्र लेखा भाभी ने जो तैयार किया है उन्हें। पता नहीं विराट ने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कैसे कर ली। देखने में कितनी छोटी लग रही है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है मौशी, सोच मिलनी चाहिए। फिर भी ये उम्र के फासले है ना, जिंदगी में बाद में पता चलेंगे, अभी नहीं। पत्र लिखा, ये लो बेटा, इन्हें गरीबों में बांट दो और उनसे कहना मेरे विराट और सई की जोड़ी के लिए बहुत सारी दुआएं दे। कितनी छान दिसते विराट ची बाई को। वैसे भाभी आपको तकलीफ तो होगी इन पैसों को गरीबों में बांटने में। तुम कहना क्या चाहती हो करिश्मा? कुछ नहीं, मैं तो बस भाभी यही बोल रही थी कि आपका तो घर से निकलना नहीं होता ना, तो आप ये पैसे कैसे बांटेंगी गरीबों में? पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कल मंदिर जा रही हूँ, तो आपकी जगह मैं बांटाऊंगी। मैं खुद को संभालना होगा। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 प्लीज। देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार वहिनी। या ये है मिस्टर देशमुख, मिसेस देशमुख। सही,
मिस्टर देशमुख तुम्हारे बाबा के सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। नमस्ते काका। नमस्ते काकू। तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़ों के पैर छूकर उन्हें इज्जत दी जाती है। सिर्फ नमस्ते से काम नहीं चलेगा, सारे मेहमानों के पैर छूने होंगे। इज्जत तो दिल से दी जाती है ना बाबा, और इज्जत तो बड़े और छोटो दोनों को मिलनी चाहिए। और मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सभी मेहमानों को हाथ जोड़कर नमस्ते कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं किसकी कितनी इज्जत करती हूँ, मैं सब लोगों के पैर तो नहीं छू सकती ना। सही बेटा, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले। मैं इनके पैर क्यों छूंगी? आप इनके गुरु, ये मेरे गुरु थोड़ी ना है। आशीर्वाद मैं सिर्फ अपने आबा का लेती हूँ, बाकी हाँ माला पहना के इनका स्वागत जरूर करूंगी। मस्त मस्त। इस जंगली मुर्गी की जुबान तो जंगली घोड़ों की तरह है, बेलगाम। सही, मेहमानों के सामने बहस करने से बेहतर होगा निनाद दादा जो बोल रहे हैं ना वैसा करो। सही, बड़े बुजुर्ग एल्डर्स की बात कोई टालता है क्या? मैं मानती हूँ मेरी बहू करिश्मा, उसको गप्पा गोष्ठी करने का बहुत शौक है, लेकिन बड़ों की बात कभी नहीं टालती। उसको जैसे कहा जाता है वैसा करती है, नहीं तो ये सही बहुत ही जिद्दी हट्टी और अड़ियल लड़की है। अरे अंकल जी, पांव छूने की रस्में तो चलती रहेंगी, पहले पेट का सोचिए। भूख लगी होगी ना आप लोगों को, इतने दूर से आए। आइए आइए आइए। बाबा, क्या इज्जत सिर्फ पैर छूकर ही दी जाती है? हाथ जोड़कर नमस्ते करके भी इज्जत दी जा सकती है ना? वाह विराट वाह, कल की आई बीवी के लिए अपने बाबा को समझा रहा है। नहीं काकू, मैं बस बाबा से। ना 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 ना, ना। विराट, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश मत करो। बात पैर छूने की या हाथ जोड़ने की नहीं है, बात है बड़ों की बात ना मान के उनसे बहस करने की। अगर ये सही में बड़ों की इज्जत करती होती तो ये इस तरह सबके सामने निनाद की बात नहीं काटती। बड़ों की बात मानना ही उनकी इज्जत करना होता है। काय कर देगा गई, लेकिन इसे कहां पता होगा। इसे जिन लोगों के पैर छूकर आप मुझे आशीर्वाद लेने के लिए कह रही हैं, उन लोगों को मैं जानती भी नहीं, तो फिर उनके पैर कैसे छू? और जिस दिन मैं इस घर में आई थी, आई ने मुझे कहा था आप सबके पैर छूकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए, तब तो आप सब मुंह फेर के चले गए थे बिना आशीर्वाद दिए। फिर आज अचानक ये पैर छूना इतना जरूरी कैसे हो गया? कौन किसकी कितनी इज्जत करता है या नहीं, ये उसके व्यवहार से भी पता चलता है। व्यवहार की बात की है ना तुमने, तो बड़ों से कैसे पेश आते हैं ये भी सीख लो। होना वही नहीं। बरोबर सुना ली, बेकार में इसे पैर छूने के लिए कह दिया। जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेहमानों के सामने अपने ससुर जी से कैसे बात करते हैं, उसे क्या उम्मीद की जा सकती है। गलती तेरी नहीं है, तेरी परवरिश की है। तेरे बाबा तुझे सिखाए बिना ही चले गए कि बड़े घरों में सभ्य तरीके से कैसे रहा जाता है, और उन्हें पता था ये कि क्या होगा ऐसी लड़की का, इसीलिए तो मेरे विराट के गले से बांध के चले गए।
आपको मुझे जो कहना है कहिए। आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता मेरे आबा के बारे में कुछ भी कहने का। किसी का कोई हक नहीं बनता। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आबा के बारे में ऐसे बात करने की? आपका क्या हक बनता है मेरी परवरिश पे सवाल उठाने का? आप मेरे आबा को जानती थी? नहीं ना, तो फिर आप उनकी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? और आप मुझे इज्जत करना सिखा रही हैं, जो खुद कोई मौका नहीं छोड़ती दूसरे को नीचा दिखाने का। आइंदा से मेरे आबा के बारे में सोच के बोलिएगा। थैंक यू। सही, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें मेहमानों के सामने बड़े मामी और निनाद मामा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ों से बात करने का एक तरीका होता है। मुझे बात करने का तरीका आता है, और ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझसे जिस अंदाज में बात की गई थी मैंने उसी अंदाज में बात की है। और काकू से गलती हुई थी, बड़ों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। बस अब बहुत हो गया। ये सास बहू की जोड़ी से और बेइज्जती सहने से अच्छा है मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं जा रही हूं। काको, वहीनी, 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 काको, वहीनी आएगा। सही, मैं मानती हूं कि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन बड़ी मामी इस घर की सबसे बड़ी है। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो कम से कम तुम्हें तो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था ना। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। बाकी ठीक कह रही है। घर तोड़ना और घर बनाना हमारे हाथ में होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि काकू मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। इस घर को उन्होंने ही जोड़ के रखा है इतने सालों तक। अगर वो छोड़ के चली गई ये घर तोड़ जाएगा। काकू रुक जाइए। काकू प्लीज, काकू मत जाइए। जब तेरे हाथ से परोसा खाना खाने को मैंने मना कर दिया तो तूने घर छोड़ के जाने की धमकी दी, और अब जब मैं जाना चाह रही हूं तो किस हक से रोक रही है मुझे? हाँ, अब घर की बड़ी है, आप कुछ भी कड़वा सुनाएंगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। अच्छा? हम्म? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अब चली जाएंगी तो शिवानी बुआ आपके कमरे का किंग साइज बेड ले लेंगी। क्यों शिवानी बुआ? हाँ हाँ, और करिश्मा आपके कमरे में मूव हो जाएगी। उसे वैसे भी आपके कमरे का शीशा बहुत पसंद है, उसी ने मुझे बताया था उसके बारे में। क्यों करिश्मा? और उषा मौसी, उन्हें तो इस पूरे घर में आपका कमरा सबसे ज्यादा पसंद है। करिश्मा वहां मूव नहीं भी हुई तो उषा मौसी हो जाएगी। हाँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों पर नजर रखने की? शिवानी, तुझे मेरा बेड चाहिए? हाँ वहीनी। ये और करिश्मा तू? हाँ कागू। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कागू। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही है? अब तो वैसे भी घर छोड़ के जा ही रही है, तो अब आपके कमरे में कौन रहता है कौन नहीं क्या फर्क पड़ता है ना? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। और खबरदार, अगर मेरे कमरे पर या मेरी चीजों पर किसी ने नजर डाली तो आज के बाद कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में। सबके लिए नो एंट्री है।
मेरे कमरे में सिर्फ मैं रहूंगी। हाँ तो रहिए ना। तो रहूंगी ना मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।